चलिए आज बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने मन में अभी भी क्रिप्टो को रे करके डाउट है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट आज के डेट में एक स्कैम है, पैसा लेके भाग जाएगा। और ऐसा उन्हें क्यों लगता है, उनके लगने के भी कई कारण है, जिनमें से दो मेन रीजन है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट रेगुलेशन ना होने के कारण। गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन इसके ऊपर है नहीं, ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। और सेकेंड, कुछ स्कैम ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में हो चुके हैं, जिसके कारण इनको लगता है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक स्कैम है। अभी भी क्रिप्टो मार्केट को एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन कुकॉइन ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला है जिसका टाइटल है क्रिप्टो वर्क्स रिपोर्ट इंडिया 2022, और उसमें हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ साफ साफ नजर आएगा कि क्रिप्टो मार्केट को लेके हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है। दूसरी बात, क्या कारण है कि वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और तीसरी बात, क्रिप्टो का भविष्य कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के बाद हमें तीन बेसिक क्वेश्चन जो है उसके जवाब मिलेंगे कि क्रिप्टो मार्केट को कि हिंदुस्तान की जनता क्या सोच रही है, क्या कारण है कि वो इसमें मतलब क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, और क्रिप्टो का भविष्य कैसा रहेगा। इस रिपोर्ट के बाद जिन लोगों को क्रिप्टो से जुड़ी कुछ भी डाउट है, संदेह है अपने मन में, वो थोड़ी बहुत तो क्लियर हो जाएगी। आपको पहले मैं बता दूं, ये जो सर्वे रिपोर्ट है, ये बेसिकली जो कुकॉइन ने किया है, तो ये इसने पिछले 6 महीने में मतलब अक्टूबर 2021 से लेकर के जून 2022 तक के बीच में मतलब सर्वे किया है। और इसने टोटल 2042 मतलब 2042 इंडियन एडल्ट्स जो है, हिंदुस्तानी लोग है जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच है, उनके साथ में मतलब ये सर्वे किया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मतलब सर्वे में क्या खोल के आया है। सो आपको बता दूं कि ये सर्वे जो है वो अगस्त 23 को मतलब पब्लिश किया था कुकॉइन ने। और इसमें जो है उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो मेजोरिटी है इंडियन इन्वेस्टर्स, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन ऐसी है सर्वे में जो कि मतलब क्रिप्टो में आगे चल के इन फ्यूचर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आज के डेट की बात करूं तो करीब 115 मिलियन मतलब 11.5 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है इंडिया में, जिन्होंने या तो क्रिप्टो में ट्रेड किया है या तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 6 महीने में। और ये जो 11.5 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में जो मतलब क्रिप्टो में या तो ट्रेड किया या तो इन्वेस्ट किया, या पकड़ सकते कि कम से कम 15% है पॉपुलेशन की, मतलब जो हिंदुस्तान की जनसंख्या है 18 से 60 साल के बीच में उसकी 15% पॉपुलेशन है। और 10% पॉपुलेशन जो 18 से 60 साल के बीच में है वो और ये सोच रहे कि मतलब आने वाले 6 महीने में वो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पॉसिमिस्टिक पिक्चर है ये काफी अच्छा है। 30% टैक्स 1% TDS के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजेस में वॉल्यूम काफी कम हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अंडरलाइंग स्टोरी देखेंगे, आप जमीनी हकीकत देखेंगे, तो कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और कुकॉइन के रिसर्च में ये भी आया है कि जो क्रिप्टो मार्केट है हिंदुस्तान में, ये 2030 तक करीब 241 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि क्या कारण है मतलब लोग जो 18 से 60 साल के बीच में जिसके थ्रू सर्वे किया गया है, तो क्या कारण है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो बता दूं कि 56% बिलीव करते हैं कि मतलब 56% लोगों का ये मानना है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है, मतलब भविष्य का फाइनेंस कहेंगे तो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा 56% लोगों का ये मानना है। 54% को ये लगता है कि लंबे समय में हमें क्रिप्टो से काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 43% का ये मानना है कि मतलब वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ही मतलब इन्वेस्ट करेंगे। और 24% लोग ये कहते हैं कि मतलब वो केवल एक हाई के लिए, मतलब जो एकदम फैंटेसी चल रहा है क्रिप्टो को लेकर के जो मतलब चर्चा चल रही है, तो उसी हाइप में उसी फैशन में मतलब वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप सर्वे में से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं कि 56% लोगों को ये लगता है कि जो फाइनेंस का फ्यूचर है वो क्रिप्टो है, और दूसरा 54% को ये लगता है कि लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सो जो कम्युनिटी में जो लोगों को ये डाउट है कि क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है या क्रिप्टो अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा, तो ये दो पॉइंट्स है, तो ये मतलब डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं चैलेंजेस, ऐसी क्या बात है जिस कारण मतलब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो जो सर्वे में पता चला कि 41% को पता नहीं है, वो अनश्योर है कि मतलब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे कैसे, मतलब उनको ये नहीं पता कि मतलब हमें अगर इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप एक मोटा मोटा समझ सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है। तो अभी भी एजुकेशन, क्रिप्टो एजुकेशन को रे करके इसमें मतलब काम करने की जरूरत है एक्सचेंजेस को। 37% को ये है कि मतलब वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जिस कारण वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। 27% क्लियर नहीं है या प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि मार्केट कैसा चलेगा, या जो एसेट है क्रिप्टो एसेट है उसकी वैल्यूएशन निकाल नहीं पाते। और 21% जो है वो मतलब डोंट अंडरस्टैंड हाउ क्रिप्टो वर्क्स, वो ये समझ नहीं पाते कि जो क्रिप्टो है वो कैसे काम करता है। सो चैलेंजेस में आप देखेंगे तो मोटा मोटा दो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि एजुकेशन को लेकर के, कि क्रिप्टो एजुकेशन क्रिप्टो नॉलेज लोगों में अवेयरनेस काफी कम है। और सेकंड ये कि वो या तो अपना पोर्टफोलियो नहीं मैनेज कर पा रहे, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कॉइन्स अच्छे हैं जिसमें मतलब ये इन्वेस्ट करे। सो दोस्तों, ये थी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कुकॉइन के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के, जहां हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है ऐसे भी कई लोग हैं जो क्रिप्टो में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें
क्लियर कट दिखा है कि क्रिप्टो मार्केट इन इंडिया जो मतलब हिंदुस्तान का क्रिप्टो मार्केट है वो करीब करीब 2,031 मिलियन डॉलर तक मतलब पहुंच जाएगा। लेकिन इन सब के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जिन लोगों के दिमाग में अभी भी डाउट है या ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट शायद आने वाले फ्यूचर टाइम में आने वाले समय में क्रिप्टो को बैन करेगी, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, आपको डंके की चोट में कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती है। सो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में।